खरगोन जिले में राजनगर में टावर के निर्माण कार्य होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है, जिसे हटाने के नाम पर रहवासी नगर पालिका सहित पुलिस थाने पहुंचे और परेशानी से अवगत करवाया। बता दें कि क्षेत्र में ओम प्रकाश मुजालदे द्वारा अपने मकान की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगा रहे हैं, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने पुलिस, कोतवाली नगर पालिका और जिला कलेक्टर कार्यालय को अवगत करवाया है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। राजनगर खरगोन स्टैंड रोड से आए हुए हम लोग, कॉलोनी में टावर बन रहा है विदाउट एनओसी। एनओसी हम लोगों से कभी पूछा नहीं गया कि हम पड़ोस में टावर बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। उन्होंने खड़ा कर दिया, काम चालू कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग आए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि वो टावर का काम बंद किया जाए और टावर की जो माइक्रो रेडिएशंस जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उसके विरोध में हम लोग बोलने के लिए आए, यहाँ पे आवेदन देने के लिए आए। कहाँ बन रहा है? राजनगर में मकान नंबर 12, ओम प्रकाश मुजालदे जी के मकान पे। संबंधित व्यक्ति से बात की आपने? हाँ, उनसे बात की, वो यहाँ पे नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम एक हफ्ते बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद बात करेंगे, तब तक तो टावर खड़ा हो जाएगा। क्या नाम है आप लोग? हम राजनगर डिस्ट्रिक्ट और खरगोन वार्ड 14 से आए हैं, सभी कॉलोनी निवासी हैं। और हमारे कॉलोनी में मकान नंबर 12 पर जो है टावर बन रहा है और तीसरी चौथी मंजिल पर उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या समस्या क्या आ रही है? उससे रेडिएशन होगा और बीमारी का फैलने से। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? कलेक्टर ने की है, नगर पालिका में करेंगे, थाने पे और एजेंट। क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि ये टावर नहीं बने और जो बनी है चीज़ें उसको तोड़ा जाए। कभी काम शुरू हो गया क्या? काम थोड़ा ऊपर से। इससे पहले कभी आवेदन दिया आपने? नहीं, तो अभी तत्काल चालू है ना, दो रोज हुए इसको चालू होने। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।